मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पुणे में नकली देसी और विदेशी करेंसी के साथ पुणे पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सेना का जवान भी शामिल है। पुणे में जाली नोटों का कारोबार करने वाले इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खुफिया इनपुट पर छापेमारी की और नकली नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच के DCP बच्चन सिंह ने बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी, जिसके आधार पर संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से नकली करेंसी भारत के 47.4 करोड़ और विदेशी करेंसी 4.2 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर 47 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपियों के नाम हैं शेख अलीम गुलाम खान, सुनील बद्री नारायण शारदा, रितेश रत्नाकर, तुफेल अहमद मोहम्मद इशहाक खान, अब्दुल गनी रहमतुल्ला खान, अब्दुल रहमान अब्दुल गनी खान शामिल हैं। इन 6 लोगों के पास से विदेशी और भारतीय नकली नोटों की करोड़ों में बरामदगी की गई है। आज रोजी सकाळपासून ती कारवाई चालू आहे आणि त्यामध्ये आम्ही विमाननगरच्या संजय पार्क एरियामध्ये एक फ्लॅटमध्ये फेक करन्सी, वेरियस डिनोमिनेशनची फेक करन्सी पकडली आहे आणि 6 आरोपी क्राइम ब्रांचने ताब्यात घेतले आहे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।